हाय गाइस, तो आपको अभी तक पता नहीं है वीडियो को किस ऐप से एडिट कर रहे हैं। तो वीडियो को एडिट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा काइन मास्टर। काइन मास्टर से आप आराम से वीडियो को एडिट कर सकते हो, वो भी विदाउट ऑटो मार्क के। हाँ फ्रेंड, आप विदाउट ऑटो मार्क के भी आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। एंड गाइस, आप यूट्यूब के लिए अच्छी तरह की वीडियो बना सकते हो। और जब आपकी अच्छी वीडियो हो तो ऑडियंस आपके यूट्यूब चैनल पर खुद ब खुद खींची चली आएगी। तो वीडियो को अच्छी बनाने के लिए आपको सिंपली फ्रेंड काइन मास्टर पे आना है। एंड गाइस, काइन मास्टर से वीडियो को एडिट करना है। तो चलते हैं अब मोबाइल की तरफ। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली फ्रेंड हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस, मेरे फोल्डर में इस फोल्डर में वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके जिसी भी फोल्डर में वीडियो सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस, आपको सिलेक्ट कर लेनी है वीडियो, ले लेनी है। बाकी आपको मतलब जितनी भी वीडियो लेनी है आपको ले लेनी है। एंड गाइस, वीडियो लेने के बाद सिंपली इसको अब रोटेट करके फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो ये इस प्रकार दिखेगी, इस प्रकार दिखेगी फ्रेंड। आपको यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन पर जाना है और म्यूजिक ऐड कर लेना है। और गाइस, आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा एनसेज म्यूजिक लगाए या फिर नो कॉपीराइट म्यूजिक लगाए, ताकि आपके कॉपी क्लेम ना आए। गाइस, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ऐड कर लेना है म्यूजिक को। अब म्यूजिक ऐड करने के बाद इसे आपके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है आगे पीछे करके। एंड गाइस, आपको अच्छी तरह से म्यूजिक इसको लगा लेना है ताकि एक्स्ट्रा नॉइस ना आए फ्रेंड। एंड इसको सेट कर लेना है आपको बढ़िया तरीके से। तो स्क्रीन में देखो वीडियो। पुत्र यह नहीं भाई, आप इसको जानते हो, इसके 500 प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई, को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जाके। नहीं ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। गाइस, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये मेरे सब्सक्राइब दोस्त की है, जो वीडियो है उसे मैं एडिट कर रहा हूँ। तो गाइस, आपको लेयर वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। और मैं लिख लेता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस, अब लिख लिया हमने एंड इसको की लगा के रोटेट कर लेते हैं ताकि दिखने में एकदम यूनिक डिज़ाइन का दिखे फ्रेंड। तो गाइस, मैं की लगा लेता हूँ एंड 3-4 जगह लगा लेता हूँ ताकि एकदम अलग ही दिखे फ्रेंड थोड़ा। तो गाइस, मैं खींच के थोड़ी लंबा कर लेता हूँ। एंड गाइस, आप की लगा लेता हूँ। एंड गाइस, की लगने के बाद ये इस तरह बन के तैयार हो चुकी है, देखो फ्रेंड। तो गाइस, देखिए वीडियो कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइस, आप भी इस तरह लगा सकते हो आराम से अपनी वीडियो में। आप इसकी जगह कुछ भी लोगो या फिर आपके हिसाब से जो भी आप सिलेक्ट करो वो लगा सकते हो आप। तो गाइस, अब लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं एंड गाइस मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड ये लगा लेते हैं। ये आपको कहीं से भी यूट्यूब पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं क्रोमा की लगा के इसे थोड़ा वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एंड गाइस, अब मेरे वीडियो इस तरह निकल के आई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। एंड गाइस, आप बैठे क्यों, जल्दी जल्दी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह, तो उसको जाके आपको प्रेस करना है एंड लाइक करना है एंड उसको सेलेक्ट करना है आल पे, ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।